चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सब। आज एक वीडियो बनानी है और सभा को परेशान करना है। वो वीडियो क्या है वो आप लोगों को पता चलेगा आगे चल के, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं इसलिए स्लो बात कर रहा हूं कि वो उस रूम में गई हुई है कपड़े प्रेस करने के लिए और आज उसके साथ पूरी फुल मूड है। आज उसके साथ शरारत करना है उसके साथ वो करने का अपना। देखते हैं कि हाथों नहीं रही शायद। नहीं 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 वही है कपड़े प्रेस कर लिए, ठीक है। अच्छा मैं कैमरा जो सेट करूँगा ना वो मैं कोशिश ये करूँगा कि ऐसी जगह सेट करूँ कि जहाँ इसको बताना चले, और अक्सर जहाँ हम लोग मैं मोबाइल चार्ज वगैरह पे लगाता हूँ मैं वहाँ लगाऊँ। तो फिर इसके साथ आज को तफरी करते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, देखते हैं इसको मुझ पर कितना भरोसा है। देखें मैं यहाँ सामने की तरफ कैमरा सेट करूँगा, सॉकेट भी लगा हुआ है, ठीक है। सॉकेट के साथ इधर मैं चार्जिंग पर लगा कर यहाँ कैमरा सेट करूँगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ कैमरा सेट कर दूँ ये कैलेंडर के साथ, या फिर यहाँ साइड में सेट कर दूँ। अगर इन दोनों जगह पर अगर मैं सेट करूँगा तो बेड का व्यू है पूरा आएगा, और अगर मैं सामने की तरफ सेट करता हूँ तो शायद उसकी नज़र पड़ जाए और देख ले। ने यहाँ कैमरा सेट कर दिया, ठीक है। अब ये इसका इंतज़ार करते हैं कितनी देर में आ रही। हाँ, वो पानी का। आप तो कपड़े प्रेस करने गई थी, कपड़े प्रेस कर लिए? हाँ, अब तो अब क्या कर रहे? कुछ नहीं यार, अंडा वगैरह बंद कर उसको, आराम सो गया ना। हाँ, अब इसको अब्दुल रहमान को सुला दूँ ना। अच्छा, इसको आप सुला रही हो, मेरी बात सुन लो पहले। बैठो बैठो बैठो, आपसे काम है मुझे। अब्दुल रहमान इधर आओ बेटा, आपसे मुझे काम है। आपसे काम ही है, आज मैं ऑफिस के काम से गया था तो पता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली मैं ऑफिस के काम से नहीं गया था, मैं एक जगह गया। यार एक बात बतानी है, अब तो अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह बताऊँ। क्या हुआ, कोई सीरियस बात है? चलिए यार, देखा जाए तो किसी के लिए सीरियस है या नहीं है, लेकिन आपके लिए सीरियस है। कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक बात बतानी है आपको। टेंशन वाली बात है? नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे लिए तो अच्छा है, लेकिन ये है कि मैं आपसे इजाज़त भी लेना चाहूँगा उस बारे में, और मैं आपको बताना भी चाहूँगा उस बारे में। शायद मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया होगा, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि आपको फुल बताऊँ। और क्योंकि मुझे कुछ हॉल हो रहा है, जल्दी जल्दी बोलो। जॉब वॉब का कोई मसला है तो? नहीं, जॉब वगैरह का मसला नहीं है यार, जॉब वगैरह का मसला नहीं है। मसला ये है कि आज मैं ऑफिस के काम से नहीं गया था, मैं एक लड़की से मिलने गया था, ठीक है। मैं लड़की से मिलने गया था, और वो लड़की वो है कि जो शादी से पहले, आपसे शादी से पहले से मैं उसको नहीं करता था, ठीक है। नहीं, उसको मैंने शादी नहीं की, लेकिन आज मुझे उन लोगों ने बुलाया था, साथ मैंने उनके साथ इस कार पार्टी की, ठीक है। उन्होंने उनके घर वाले एग्री, और अपना जो है वो अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना चाह रहे हैं, उससे शादी करना चाह रहे हैं। तो मैंने उनसे बोलते, मैं शादी शुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, वो तो सबकी ज़िंदगी में होता है, तो पुरानी बात हो गई ना। पुरानी बात तो है, ठीक है, पुरानी बात है, लेकिन उस वक्त नहीं गया था, और आपको मैंने बताया भी। हाँ ठीक है, वो तो जब आपने नई नई शादी हुई थी मुझे बताया था कि ये वही लड़की है जो आप बोल रहे थे मैं स्कूल लाइफ में पसंद कर रहा था।
तो हाँ ठीक है, अब तो आपकी शादी हो गई, अब आपको ये चैप्टर क्लोज नहीं कर देना चाहिए। बच्चे हैं माशाल्लाह हमारे इतने प्यारे, मतलब आपको नहीं लगता कि आपको जानी नहीं चाहिए आप इफ्तार में, और क्यों गए यार? तो उन लोगों ने मुझे बुलाया थे, 3-4 दिन से बुला रहे थे। मैं क्या सोच सकती हूँ, मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आप इफ्तार में क्यों चले गए, आप मना कर देते। यार काफी दिन से वो बुला रहे थे, मैं आना का नहीं करा था। 3 दिन से मैं 2-3 दिन से अपने ये प्रोग्राम मैंने करा सेट किया कि मैं चला जाऊँ। अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मैं गया उस दिन, गया आज, मैं जाके ना आज गया इफ्तार पार्टी में, उसके वल्दा वाली से मिला, वो एग्री हो गए शादी करने। अब उनके एग्री होने से क्या फ़ायदा, अब आपकी शादी हो गई है, आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, हम सेट नहीं है अपनी ज़िंदगी, मतलब आप बोल रहे थे अब ख़त्म ना, वो होता है ज़िंदगी का एक हिस्सा है, चलो आपने पसंद किया, वो सब अब ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए उस चैप्टर को। अब्दुलरहमान आप, यार मैं क्या करूँ, उन्होंने मुझे बुलाया, उसके वालदा वालिद ने मुझसे बोला। उन सब की छोड़ो, आपका दिल इस चीज़ के लिए मानता है? मैं इसीलिए तो आपसे इजाज़त ले रहा हूँ, इसीलिए तो आपसे इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। मैं आप उसे यानी शादी की इजाज़त ले रहे हैं? हो कोई मसला थोड़ी है, मैं तो होती रहती है, बहुत हल्की बात नहीं है। मैं आपसे इसलिए तो पूछ रहा हूँ, आपसे चाहता तो मैं कर भी सकता था, लेकिन मैं नहीं, मेरी वाइफ से इजाज़त ले। ठीक है, तो जो आपने बोला जैसा मानो, मेरी बात नहीं है ना, आप इजाज़त दो ना। हाँ मैं यही कह रही हूँ जो आपको बेहतर लगे। चल तो क्या बात, बेहतर तो ऐसे भी अभी भी बेहतर है, उस वक्त भी बेहतर हो जाए, लेकिन मैं इजाज़त ले रहा हूँ। क्या हुआ, मुँह नीचे क्यों कर लिया, बताओ ना। जो आपको बेहतर लगे सही। अच्छा मेरी बात तो सुन लो, रो क्यों रही हो, रो क्यों? अरे भाई क्यों रो रही हो, तो इसमें रोने वाली क्या बात, इसमें रोने वाली क्या बात। अच्छा मेरी बात तो सुनो, अच्छा मेरी बात तो सुनो। वो देखो सामने कैमरा लगा है, तो मजाक कर रहा हूँ आपसे, मजाक करो। आपने कैमरा लगा दिया, मैं कैमरा लगाया, मैं आपसे मजाक करूँ, मैंने बोला था आज फनी वीडियो बनानी है, फनी वीडियो बनाऊंगा। मुझे नहीं आपसे बात करनी कोई भी, आपने मजाक समझा हुआ इस चीज को। अरे मजाक की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है, मेरी बात बात नहीं समझ रही आप। मैं जा रही हूँ, मुझे आपसे तो बात ही नहीं करनी। अरे यार कहाँ जा रही, बात तो सुनो। अच्छा मेरी बात, अच्छा अब ये देखो ये नाराज़ हो चुकी है, अब मैं इसको मनाने में मुझे जितना टाइम लगेगा ना मैं जानता हूँ, और मेरा अल्लाह जानता है। अब आप दुआ कीजिएगा ये मान जाए, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।